देखिए 50 का दोनों निम्नलिखित फलन का आलेख खींचिए। इस फलन का आलेख खींचना है, fx के लिए अलग अलग कंडीशन दिया है और इसका मान भी निकालना है 0 to 4 का। आलेख पे बताना है क्या निरूपित करता है। चलिए देखते हैं, पहला लेते हैं fx बराबर में दिया है मोड x माइनस 2 प्लस 2 जब x का मान लेस देन और इक्वल टू 2। इसे मान लेते हैं लेट y बराबर में fx, यानी कि y बराबर में हो जाएगा। अच्छा देखो ना, यहाँ पे अगर मैं x का मान 2 से छोटा करता हूं तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, माइनस का x माइनस 2। समझ गए ना बात को, 2 से छोटा लिखूंगा तो ये अंदर निगेटिव हो जाएगा ना जी, इस तरह से लिखेंगे और प्लस 2। चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, ठीक है। चलिए कम से कम इसके 3 मान मैं यहाँ निकाल लूंगा, समझ रहे हैं ना बात को। चलो बिना खींचे भी ऐसे बना सकते थे डायरेक्ट, लेकिन ये बना लेंगे तो ठीक है। x का मान 2 रख सकते हैं ना, 2 के बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 2 बचेगा। अगर x का मान अगर बात करें तो 2 से छोटा 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो अंदर माइनस का आ जाएगा 1, ये माइनस तो प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा। अब 0 भी रख सकते हैं तो 0 रखेंगे तो अंदर माइनस में 2, माइनस माइनस प्लस और 2 और 3 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो हो गया, दूसरे वाले के लिए चलते हैं। वहां पे दूसरा है y बराबर में x स्क्वायर माइनस 2 जब x का मान 2 से बड़ा। चलिए देखते हैं, इसका भी चार्ट यहां बना लेते हैं, इसके भी 2-4 मान कम से कम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका मैं थोड़ा ज्यादा निकालूंगा क्योंकि ये कर्व बनेगा ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं, 4 इसके वैल्यू निकाल लेता हूं। चलिए इसके 4 कम से कम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए x का मान यहाँ 2 से बड़ा रखना है तो x का मान मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 3 के बाद मैं 4 रखता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14, 5 रखता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23, 6 रखता हूँ तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 36 में से आपका 2 गया 34, ठीक है। चलिए अब इसका आलेख थोड़ा सा क्या किया जाए यार, बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खींचेंगे इसको भी खींचेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है जी। पॉजिटिव में ही गया है, निगेटिव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए एक्स हो जाएगा इधर, इधर एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ वाई और नीचे मैं वाई डैश ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, ज्यादा बड़ा बड़ा वैल्यू लेता हूँ क्योंकि 35 तक गया है, 5 10 15 20 25 30 35 5 10 15 20 25 30 35 x का 2 y का 2 x 2 y 2 x का 2 इधर कहीं होगा बहुत छोटा और 2 यहाँ पर होगा, x का 1 y का 3, क्या करें यार, x का 1 y का 3, x का 0 y का 4, ठीक है, यही ना होगा जी। चलिए तो इस तरह से ये इसका आलेख हो जाएगा, छोटा छोटा बन रहा है, मैं क्या करूं यार, आप ही देखो, इस तरह से बन जाएगा इसका, ठीक है। यह y बराबर माइनस x माइनस 2 प्लस 2 के लिए, जहाँ x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर है। चलिए दूसरा क्या है, ये रहा 3 रखने पे 7 आया है, 3 रखने पे 7 आया है, 4 रखने पे 14 आया है, 5 रखने पे 23 आया है, ठीक है। और फिर क्या हुआ जी, और 5 हो गया, 5 रखने पे 34 आया है, 6 रखने पे 34 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए तो ये जो होगा ये कुछ इस तरह से जाएगा। अच्छा अगर मैं 0 की बात करूं तो x की जगह रूट 2 रखने पे 0 आ जाएगा, रूट 2 रखने पे 0 आ जाएगा, x की जगह अगर रूट 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो x का रूट 2 कहाँ होगा, रूट 2 का वैल्यू 1.41, 1.41, यानी कि ये 2 था
ये दो था, इसके सामने थोड़ा सा और इधर होगा, यहां से जाएगा, देखिए यह कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, लेकिन हमें दो से बड़ा रखना था, सॉरी सॉरी सॉरी, दो से बड़ा रखना था, दो नहीं ना रखना था जी, दो से बड़ा, ठीक है, दो से बड़ा कुछ भी रख सकते थे, सॉरी, यानी अगर आप सोचो अगर दो से बड़ा रखना है, अगर दो रखते तो क्या आता, दो आता, दो रखने पे दो आता, तो दो दो यहां पर है, यहां पर है दो दो, तो इस ग्राफ में भी ध्यान रखना है, यहां दो का दो से छोटा नहीं रखना है, दो से छोटा रखना है, दो से छोटा रखना है, यानी कि हमारा ग्राफ यहीं तक आता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, दो दो आपका ये है ना जी, यहीं 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 तक आता, अब दो दो यहीं तक आता, दो रख सकते हैं, तो अब इसके नीचे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके नीचे नहीं ले जा सकते ग्राफ को, इसके ऊपर ऐसे ही रहेगा। अच्छा इसमें क्या रखना है, तो इसमें दो से बड़ा रखना है, तो अगर दो रखेंगे तो दो दो आएगा, लेकिन उसको रखना नहीं है, यानी इसको छोड़कर, इसको छोड़कर इससे बड़ा कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, हाँ ये आपका इसका सही आलेख होगा, इस तरह से एक कर्व बनेगा, थोड़ा सा कर्व बनेगा, आप बना लेना है ना, कर्व बनेगा, इसको छोड़कर इस तरह से, समझ गए ना बात को, इस तरह से इसका आलेख जाएगा। तो हमें इसमें दो को इंक्लूड करना था, इसमें दो को रखना था, तो इसलिए यहीं तक आया, ये इधर चला गया, और इसमें इसमें दो को नहीं रखना है, यानी कि इसको छोड़कर इसके ऊपर सारा वैल्यू, इसका मान दो से बड़ा रखना है, तो इसलिए दो को छोड़ दिया, खाली स्थान दे दिए, रिक्ति दिखा दिए, समझ गए ना, तो ये आपका आलेख बन गया। अब फिर पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि 0 to 4 में इसका वैल्यू क्या होगा, 0 to 4 में इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे हमें 0 to 4 में एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 4 एफ एक्स डी एक्स। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ये आपका पॉइंट क्या था, 2 2 था, यहाँ पे 2 2 था ना जी, यहाँ से एक लंब खींचोगे, एक छोटा सा बिंदु मिलेगा 2, 0, ठीक है, 2, 0। मैं इस चीज को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ समझने के लिए आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो सके, एक्स एक्स डैश वाई और ये आपका वाई डैश हो जाएगा, एक रेखा आई है, देखो यहाँ पे मैं 1 2 ऐसे ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह जो गया है, यह जो आया है, ये कहाँ कटा है, 2 2 पे, यहाँ 2 2 पे, फिर उसके बाद क्या था जी, बिंदु देख लेता हूँ एक बार मैं, 1 3 और 0 4, 1 3 और 0 4, 1 3 और 0 4, इस तरह से यहां से गया है ना जी, इस तरह से गया है, तो जो रेखा है, ठीक है, यह वाला जो हम लोग वहां देख रहे हैं, और इस बिंदु को छोड़कर हमारा यह जो कर्व गया है, ये कुछ इस तरह से गया हुआ आगे, ठीक है, जहां भी गया है ऊपर आगे गया है, हमने ऊपर देखा है, ठीक है, ऊपर देख चुके हैं, तो यह जो है वाई बराबर में क्या था जी इसका, ये माइनस का x माइनस 2 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करोगे माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 2 4 4 माइनस x द्वारा बना होगा, ठीक है, और यहाँ जो है y बराबर में x स्क्वायर माइनस 2 है, सही ना है जी, तो दो हम पूछ रहा है 0 to 4, तो 0 to 2 तक तो यह आ गया इसके द्वारा, और आपका 2 से 4 तक इस कर्व के द्वारा बना हुआ आ गया, ठीक है, तो लेंगे 0 से 2 इस कर्व से बना हुआ 4 माइनस x dx, और फिर प्लस 2 से 4 इसके द्वारा x स्क्वायर माइनस 2 dx, ठीक है, यहां इंटीग्रेशन कर लेंगे, 4x माइनस का x स्क्वायर बाई 2, 0 to 2 है लिमिट, प्लस यहां पे हो जाएगा x क्यूब बटा में 3 माइनस का 2x, 2 से 4, यही ना है आपका 4। चलिए अब देखिए इसके बाद इसका पुट करते हैं, वैल्यू 2 रखोगे तो 8 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4/2, यानी कि 2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64/3 और माइनस 8, ये हो जाएगा, और 2 रखेंगे
तो दो का क्यूब 8/3 और माइनस का 4, ये ना हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये 6 कर दें, या एक काम करते हैं ये 8 से 8 काट देते हैं, 8 से 8 काट देते हैं, ये 2 बचा, यहाँ 64/3 माइनस का 8/3, ये देखो माइनस माइनस प्लस 4 होगा और माइनस का 2, तो 2 लिख दूं मैं सीधे, एलसीएम ले लेता हूँ 3, 64 - 8 + 6, तो देखो ये दोनों मिलके 70, 70 में से 8 गया तो आपका 62 आ जाएगा, 62/3 वर्ग इकाई, 62/3 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था, पर पूछ रहा था कि आलेख पर समाकल क्या निरूपित करता है, तो आलेख पर समाकल किसको निरूपित करता है, तो समाकल समाकल y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर 0, x बराबर 4 तथा x अक्ष से ये ना कर रहा है, इस वक्र के द्वारा y बराबर एफ एक्स दिया, फंक्शन द्वारा x बराबर 0 द्वारा, y बराबर x बराबर 4 द्वारा और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को, क्षेत्र के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे